वेलकम टू माय चैनल फार्मा केयर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी फार्माकोलॉजी, की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम जनरल फार्माकोलॉजी पहले पढ़ेंगे, फिर उसके फर्दर टॉपिक्स फार्माकोलॉजी की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जनरल फार्माकोलॉजी है, जो कि मतलब बेसिक फार्माकोलॉजी। अगर तुम्हें बेसिक से सीखना है तो जनरल फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना जो भी मैं समझाऊँ। ठीक है, माय नेम इज़ अनिल कुमार शर्मा, सो हेयर आई बिगिन। बेसिकली कहाँ से आए हैं और मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिकली डेफिनेशंस क्या हैं, छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम सोर्सेज, ड्रग के सोर्सेज पढ़ेंगे कि ड्रग्स आई आखिर आई क्या है, कहाँ से है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी के लिए। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी आखिर है क्या? फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द लिविंग सिस्टम। कोई भी लिविंग सिस्टम है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या फिर वो एनिमल बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, बट वो लिविंग सिस्टम होना चाहिए। उसके ऊपर जो ड्रग का इफेक्ट है, उस साइंस, जो भी इस साइंस को बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब सेकेंड है ड्रग। अब ये ड्रग क्या है? ड्रग है वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन करा गया है ड्रग क्या होती है। ड्रग एज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट, ड्रग ऐसा सब्सटेंस या प्रोडक्ट है जो, ड्रग ऐसा सब्सटेंस या प्रोडक्ट है जो कि क्या करता है, इंटेंडेड टू यूज और मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर बेनिफिट ऑफ द रेसिपेंट। अब ये बोल रहा है जो ड्रग एक ऐसा प्रोडक्ट या सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, मॉडिफाई करता है या फिर एक्सप्लोर करता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम को या पैथोलॉजिकल स्टेट। पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब इधर है कि किसी भी लिविंग सिस्टम में बीमारी है कोई भी, या फिर कोई मतलब सिस्टम खराब हो रखा है, उसको मॉडिफाई कर दे या एक्सप्लोर कर दे, उस चीज़ को ड्रग बोलते हैं। वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ऐसा समझाया गया है। ठीक है, अब आया फार्माकोकाइनेटिक। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके ऊपर बड़ा टॉपिक है, ये मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। जो भी इसके अंदर कंटेंट आता है उस वीडियो के अंदर मैं बनाऊंगा, जाके ज़रूर देखना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इट मीन्स वॉट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब ये बोल रहा है फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि ड्रग बॉडी के अंदर कैसे मूव कर रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है बॉडी के अंदर। इसके अंदर चार प्रोसेस आते हैं। एक प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, एक प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म, एक प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन। इसको हम बोलते हैं ADME प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ADME प्रोसेस किसके अंदर आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है या फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर? हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है। बेसिक जो मतलब ऊपर का फंडा यही होता है कि इट मीन्स वॉट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब ड्रग के ऊपर बॉडी कैसे एक्ट कर रही है, वो उसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। कोई भी पूछे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, बोल देना कि बॉडी ड्रग के ऊपर कैसे के इफेक्ट कैसे कर रही है, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अगला हमारा आता है फार्माकोडायनेमिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ अ ड्रग, ड्रग की स्टडी होती है, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ते हैं, उसकी फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो बॉडी के ऊपर दिखा रही है, उसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू व्हाट द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट दिखा रही है, वो होता है बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स। इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, आगे कंटिन्यू पॉइंट है ऑर्फन ड्रग्स। एक ऑर्फन ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ द रेयर डिजीज। अब कुछ ऐसे डिजीज होती हैं जो कि रेयरली प्रिवेंट करी जाती हैं, ये रेयरली ट्रीट करी जाती हैं। उन डिजीज को ट्रीट करने में जो भी
या फिर डायग्नोस करने में, ट्रीट करने में या प्रिवेंट करने में यूज़ करी जाती है, उनको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग। द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ड्रग कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्रॉम सेलिंग द ड्रग। अब ये बोल रहा है जो भी खर्चा आया है उसके डेवलपमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग में या मार्केटिंग के अंदर, उस ड्रग का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है वो मतलब वापस नहीं आता पैसा, ना वो लेती कंपनी, ठीक है, जितने में गया तो गया, मतलब वो ह्यूमन डेवलपमेंट के पैसे, मतलब डेवलपमेंट में चले जाता है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी को पैसा वापस रिकवर नहीं होता। वो एग्जाम्पल है डिजॉक्सिन, जो डिजॉक्सिन एंटीबायोटिक्स, जो कि हमें डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, अगर तुम ओवरडोज ले लो ना डिजॉक्सिन का, तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी अगर हो गई बॉडी के अंदर तो हॉस्पिटलाइज हो सकता है, कोमा हो सकता है पेशेंट, या डेथ भी हो सकती है। उसके को उसका एंटीड्यूट होता है डिजिटॉक्सिन एंटीबॉडीज, उसको मैन्युफैक्चर करती है फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत सारी, ठीक है। अब आती है ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये बहुत लोगों ने सुना भी होगा, ओटीसी ड्रग्स। ओटीसी ड्रग ऐसी ड्रग है जो कि पेशेंट बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन या बिना किसी भी मतलब पेपर के, मतलब डॉक्टर से बिना लिखवाए भी किसी भी फार्मासिस्ट से ले सकता है, ठीक है। इनमें आते हैं पीसीएम, अगर तुम किसी भी केमिकल शॉप के में जाओ या फिर कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी दे देगा, ठीक है। पीसीएम आती है, एंटा एसिड आती है, डिस्प्रिन आती है, बहुत सारी पेन किलर्स भी होती हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, दीज ड्रग्स आर सोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सच एज एंटीबायोटिक एंड एंटीसाइकोटिक्स। अब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी फार्मासिस्ट इन दवाइयों को दे ही नहीं सकता। एंटीबायोटिक होती हैं, एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स में तो स्पेशल स्टैम्प भी लगा होता है विद अ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, बिना स्टैम्प के रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर विद साइन नेम डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सब चीज़ लिखे होती है नार्कोटिक्स में, क्योंकि वो होती है बहुत खतरनाक ड्रग्स होती हैं जिनका मिसयूज भी हो सकता है, फार्मासिस्ट मिसयूज भी कर सकते हैं, बहुत सारे करते भी हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग समझ आ गया, ओवर द काउंटर ड्रग समझ आ गया, ऑर्फन ड्रग समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ड्रग, सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। अब ड्रग जो के बारे में हम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, सबसे मेन जो ड्रग का मतलब जो यंत्र है वो होता है फार्माकोपिया। फार्माकोपियाज आपने पढ़ी होंगी, फार्माकोपियाज जो 2018 में है, ऑरेंज कलर की बुक है 2018 की। इट इज द बुक विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड एंड एस्टेब्लिश्ड ऑफिशियल अप्रूव्ड ड्रग विद अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक एंड टेस्ट ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन प्योरिटी मेथड्स ऑफ स्टोरेज। फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग्स भी हैं उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ, उनकी फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स साथ, उनके टेस्टिस मतलब क्वालिटेटिव टेस्ट कैसे करेंगे उन ड्रग्स का, या आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि यही ड्रग है, प्योरिटी कैसे करेंगे मतलब प्योरिटी कैसे चेक करेंगे कि कितनी परसेंटेज प्योरिटी है इस ड्रग के अंदर, या स्टोरेज कैसे करेंगे, अगर बाई चांस हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया उस ड्रग को तो स्टोरेज कैसे करेंगे, वो मेथड ऑफ स्टोरेज भी उस फार्माकोपिया के अंदर लिखा रहता है, ठीक है। सम फार्माकोपियाज आर इंडियन फार्माकोपिया होती हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया होती हैं, यूरोपियन फार्माकोपिया होती हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होती है जिसको हम यूएसपी बोलते हैं, आईपी बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, और यूरोपियन फार्माकोपिया को ईपी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ फार्माकोपियाज होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग निकाल सकते हैं, ठीक है। अदर सोर्सेज क्या होते हैं, अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर नेशनल फॉर्मेलिटीज होती हैं, एनएफ बोलते हैं, फिजिशियंस डेस्क रेफरेंस बोलते हैं, पीडीआर, टेस्ट बुक एंड जर्नल्स ऑफ फार्माकोलॉजीज होते हैं, एंड थेरेप्यूटिक ड्रग्स होते हैं, बुलेटिन होते हैं, डाटाबेसिस होते हैं, डाटाबेसिस में जैसे माइक्रो मेडेक्स मेडेक्स होती है, ये डाटाबेस जो होते हैं ये कंप्यूटराइज होते हैं, ये कंप्यूटराइज में क्या होते हैं, इन कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा मतलब सेव हो रखा होता है, जिससे हम देख सकते हैं कि कौन सा ड्रग कैसे, मतलब यही सारी चीज़ पता लगाते हैं हम
की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी भी फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक क्या चीज़ें क्या है उसकी, या प्योरिटी क्या है उसकी, मेथड ऑफ स्टोरेज क्या है, यही सारी चीज़ें पता लगाते हैं उसमें भी। अब इसमें क्या है, माइक्रोमेडिक्स है, मेडलाइन है, या कोक्रेन लाइब्रेरी होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाकर हम भी पता लगा सकते हैं, कैसे, उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमआर, एमआर को बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये डिप्लोमा ही करा होता है एमआर ने भी, इनके पास भी उतनी नॉल, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर्ड होते हैं ये थोड़े, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी खुद एक ट्रेनिंग सेंटर होता है इनका, वो ट्रेन करते हैं इनको, नॉलेज देते हैं, उधर से एमआर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो अपनी नॉलेज को उधर से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी ड्रग के बारे में, किसी भी फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या उसकी आइडेंटिफिकेशन, सब चीज़ पता लगा सकते हैं, ठीक है। मीटिंग्स या ड्रग एडवर्टीजमेंट्स इन जर्नल्स के अंदर, जो भी जर्नल्स के अंदर एडवर्टीजमेंट आती है वो उससे पता लगा सकते हैं, फॉर्मलीज से पता लगा सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अबाउट अवेलेबल ड्रग्स, जो भी कंट्रीज के अंदर जो भी ड्रग्स अवेलेबल है, एडवर्स इफेक्ट के बारे में, कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्ट्रडिक्शन कि मतलब किस किस के लिए कॉन्ट्रडिक्टेड है कोई भी ड्रग, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने पड़ते हैं, या वार्निंग गाइडलाइंस क्या क्या हैं, ठीक है, ठीक है। जो भी मतलब जो भी चीज़ हमें पता लगानी है वो इन सारे सोर्सेस से हम पता लगा सकते हैं, जैसे फॉर्मली, और बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे पास फार्माकोपिया हो गया, या IPBP, ये सारे फार्माकोपियाज हैं, और अदर रेफरेंस में सारे नेशनल फॉर्मलीज वगैरह, टेक्स्ट बुक हो गए, जर्नल्स हो गए, ठीक है, फॉर्मलीज हो गए, ठीक है, इन सब से हम ड्रग की इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। आपका सोर्सेज ऑफ ड्रग, अब हमारा ड्रग्स की इंफॉर्मेशन हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ से आई है। अब सोर्सेज आए कहाँ से हैं, ड्रग ही आए कहाँ से हैं, ड्रग आए कहाँ से हैं। सबसे पहला सोर्स होता है दे आर नेचुरल, सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक। या तो ड्रग नेचुरल हो सकता है, या सेमी सिंथेटिक हो सकता है, या सिंथेटिक, तीन सोर्सेज हो सकते हैं इसके बेसिकली। जो नेचुरल सोर्सेज होता है वो तो होता है प्लांट से, ठीक है, प्लांट से हो सकता है, या एनिमल से हो सकता है, मिनरल से हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, ठीक है। सेमी सिंथेटिक जो ड्रग्स होते हैं वो नेचुरल सोर्स से ही बने होते हैं, जो सिंथेटिक ड्रग होते हैं वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हम करते हैं, ह्यूमन करता है, ठीक है। अब द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला प्लांट, प्लांट्स बेसिकली बेसिक होता है एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स में होते हैं मॉर्फिन, मॉर्फिन होता है, एट्रोपाइन होता है, क्यूनिन होता है, रेसरपाइन होता है, एफिड्रीन होता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स में डिजॉक्सिन्स होता है, डिजिटॉक्सिन्स हो सकता है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर इंसुलिन्स निकाल सकते हैं हम, हेपेरिन निकाल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेनिसिलिन निकाल सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रेसिफुल्विन, एंटीफंगल होता है ग्रेसिफुल्विन, ठीक है। मिनरल से हम फेरस सल्फेट निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट निकाल सकते हैं। सिंथेटिक मोस्ट ऑफ ड्रग्स आज के ज़माने में जो होते हैं वो सिंथेटिक ही होते हैं, जैसे एस्पिरिन हो गई, पैरासीटामोल्स हो गए, या फिर कोई भी ड्रग ले लो, आज के ज़माने में पूरा प्योर नेचुरल नहीं है, सारे के सारे आपको सिंथेटिक ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो, प्ले एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा केयर, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो ऑफ द फार्मेसी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस चैनल।